हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो बात कर रहे हैं, आज आपके पास टॉपिक होने जा रहा है, जो आपके पास सीरीज चल रही थी, आपके पास 12th की सीरीज चल रही थी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की, उसका टॉपिक आपके पास आज होने जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपके पास आज होने जा रहा है। यह वीडियो पूरी आप देखें, स्टार्टिंग से लेके अंत तक देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? दो चार्ज आपके पास है, ये दो चार्ज आपके पास कैसे बच्चों? जैसे आपके पास एक चार्ज मैंने मान लिया क्याओ और एक चार्ज मैंने मान लिया इस साइड क्या हो, बट वो आपके पास क्या होना चाहिए? अपोजिट साइन के होने चाहिए और इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए उनका। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। एक आपके मैंने मान लिया पॉजिटिव और एक मैंने मान लिया नेगेटिव, और इनके जो बीच के डिस्टेंस सेपरेशन है वो मैंने मान लिया आपके पास 2L से नोटेशन दे दी, यानी कि बीच की सेपरेशन। उसे क्या कहते हैं? उसे आपके पास उस सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। बट आपके पास यहाँ पे टॉपिक होने जा रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण आपके पास क्या होता है, उस केस का आपके पास एक्सियल पोजिशन का आपके पास कर रहे हैं। तो एक्सियल पोजिशन का केस लेके चलेंगे आज, एक्सियल पोजिशन का। तो आपके पास दो तो सेम एज इट इज है, और आपने क्या करना है इनमें? आपने करना है बीच में, जैसे आपके पास यहाँ पे इनका मिड पॉइंट है, क्योंकि टोटल आपके पास 2L है, ये यहां से लेके यहां तक L, यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगी L। और मैं मान लेता हूँ आपके पास कोई पॉइंट है भाई, यहाँ पे मैंने मान लिया कोई पॉइंट P है, और इसके कारण आपके पास इस साइड E1 की डायरेक्शन है और इस साइड आपके पास E2 की डायरेक्शन। इसको करने से पहले आप क्या देखें, आपके पास माइंड में होने चाहिए आपके पास E, जो आपके पास रिजल्ट था E इज इक्वल टू, ये रिजल्ट ध्यान होना चाहिए कौन सा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन सा रिजल्ट बच्चों? मैंने इससे पिछले वाला करवाया था आपके पास, क्या हो बाई R² ये माइंड में होना चाहिए आपको। और क्या माइंड में होना चाहिए आपको? आपके पास ये ध्यान होना चाहिए आपके पास वेक्टर एलजेब्रा का रूल कैसे लगाते हैं। एलजेब्रा, ये दो चीज ध्यान होना चाहिए, पूरा आपके पास सारा निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं आपके पास यहां इस पॉइंट को आपने इससे आगे कैसे लिखना है। तो आप देखें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास ये पॉइंट ले रहे हो आप P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आपके पास किस पॉइंट के कारण? आपके पास है एट पॉइंट P, एट ए पॉइंट, जो ये P पॉइंट है ना, इसके कारण आपके पास भाई चार्ज आपके पास एक प्लस है और एक क्या है? माइनस है। तो सबसे पहले के लेके चलेंगे ड्यू टू प्लस क्या चार्ज के कारण कितना हो रहा है, तो उस केस का आपके पास मैं वैल्यू लिख रहा हूं इसके बराबर में। तो आपके पास इसके कारण प्लस के कारण क्या हो रहा है? ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है। प्लस वाला है आपके पास E1 है, तो E1 बच्चों आपके पास यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बात कर रहे हैं बच्चों आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से लेके, अब मैं जो P पॉइंट आपके पास यहां तक की दूरी को क्या मान लेता हूं आपके पास, ये दूरी को मैंने मान लिया R, और ये आपके पास L, और ये आपके पास बच्चों L आपके पास। अब बहुत ही आपके पास ये वाली इक्वेशन यूज हो रही है यहाँ पे, क्या हो बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? E1 आपके पास हो रहा है तो आपके पास है R-L का स्क्वेयर हो जाएगा। इसको नाम दे दिया इक्वेशन संख्या एक नाम दे दी। अब बात करें आपके पास सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू
माइनस क्यू चार्ज, भाई आपके पास माइनस है क्यू चार्ज के अकॉर्डिंग क्या होगी, तो ए टू इज इक्वल टू 1/4 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस में एल का स्क्वायर, इसको नाम दे दिया इक्वेशन संख्या 2, नाम दे दिए इसको। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, आपके माइंड में ये होना चाहिए आपके पास अगला स्टेप है, जो आपके पास ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, उसमें क्या करना है आपने, उसके अंदर क्या करना है, ओनली ई माइनस में ई वन माइनस में ई टू करना है। ई वन की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास, पुट करो यहाँ पे क्यू बाई आर माइनस एल का स्क्वेयर आवर में, ये आपके पास माइनस 1/4 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस में एल का स्क्वेयर। उससे अगले वाला स्टेप क्या करना है, मैथमेटिकल की यूज करके ये वाला इक्वेशन देखो, यहाँ से आपके पास क्या हो रही है, कॉमन हो रही है, कॉमन को मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, बाहर निकाल रहा हूँ, तो बाहर मैंने निकाल दिया, क्या हो मेरे मेरे पास है, क्या हो आपके पास, यहाँ पे ऊपर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जो आपके पास अंदर बच गई, वो अंदर वाली टर्म आपके पास क्या बच गई, आपके पास है 1/r माइनस में एल का स्क्वेयर माइनस में 1/r प्लस में एल का स्क्वेयर। नीचे आपके पास एलसीएम लो, इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये एलसीएम लेने के बाद बच्चों आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा वो देखें, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका होल स्केयर आपने खोलना आता है, ए माइनस बी का होल स्केयर क्या होता है बच्चों, ए स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस में बी स्केयर माइनस में 2ab, और प्लस वाला जो आपके पास आ जाए तो आपके पास ए स्केयर प्लस में बी स्केयर प्लस में 2ab आपके पास होता है। तो यहाँ पे आपके पास ये लगाने के बाद में ओनली ऊपर आपके पास क्या बच जाएगा 4rl, और नीचे आपके पास क्या बच जाएगा r माइनस एल का स्क्वेयर, क्योंकि आपके पास ये r माइनस एल का ये स्क्वेयर है और इसका होल स्क्वेयर तो ये है, और आपके पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्म में आपके पास ये बच गया जब आपने क्या लिया एलसीएम लिया। अब हम बात करें आपके पास 4 ये है ऊपर वाला, इसको मैं सेपरेट करके लिख देता हूँ आपके पास, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ बच्चों 2 × 2 में लिख सकता हूँ इसको, तो मैं इसको 2 × 2 में लिख रहा हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से क्या हो आपके पास है ही पहले, तो क्या हो मैंने पहले लिख लिया आपके पास, और किसकी बात आती है भाई, इसको 2r में इसको 2r लिख दिया, और बात कर रहे हैं बच्चों आपके पास ये 2l लिख दिया, क्योंकि आपके पास ये फॉर्म और ये फॉर्म सेम है, आपके पास आर स्क्वेयर माइनस में एल स्क्वेयर का क्या हो गया होल स्क्वेयर हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों आपके पास एक बात आती है, इस चीज को आप क्या लिख देते हैं, जो क्याओ है और जो 2l है इसकी नोटेशन आपके पास क्या आती है बच्चों, पी पी आती है नाम पी, तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूं आपके पास पी आवर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर माइनस में एल स्क्वेयर और इसका होल स्क्वेयर। अब आपके पास एक बात और आती है, यहाँ आप ध्यान रखना, आपके पास ये तो आपके पास ये केस आया है, अब आपने माइंड में ओनली एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपने क्या करना है, जब आपके पास केस है देन, जब आपके पास केस आए जो आर की वैल्यू है वो आपके पास बहुत ज्यादा बड़ी है, किससे एल से, जो आपके पास ये एल की वैल्यू क्या होगी, सो एल वैल्यू विल बी नेगलेटेड नेगलेटेड होगी, तो आपके पास ये फॉर्म क्या आ गई, ये वैल्यू नेगलेट होगी तो आपके पास क्या बच गया आ गई 2 r p आवर में आपके पास है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर का स्क्वेयर तो पहले ही है और ये स्क्वेयर आपके पास ये हो जाएगी, ये टर्म क्या होगी नेगलेट होगी। अब आपके पास ये कितनी होगी, आपके पास है 2 r p आवर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4, और ऊपर आर आपके पास है ही, इस वाले फॉर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर क्यूब, और ये बच्चों ये रिजल्ट आपके पास किसका था, ये रिजल्ट आपके पास एक्सियल पोजिशन का था, बट आपके पास ये किस केस का था, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल वाले जो आपके पास डेरिवेशन है उस केस का, हमने मात्र आपके पास 10 मिनट के अंदर मात्र आपके पास पूरा डेरिवेशन समझा भी दिया, तो सोचो आप करोगे तो आपके पास मात्र 3 या 4 मिनट में आपके पास सोल्व हो जाएगा, यहाँ पे तो मैंने आपको समझाया, पेपर में करोगे ना इतना आपके पास जल्दी हो जाएगा, जिसकी आपके पास
आप सोच भी नहीं सकते। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को ज्यादा ज्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।